गुरुवर के पावन पदों मध्य, गुरुवर के पावन पदों मध्य ये शिर ध्वज का अभिनंदन है और सेवक पर कृपा करो स्वामी सत कोटि कोटि पद वंदन है। धन्य है राजन तुम्हारा जीवन, तुमने सेवक के द्वारा बुलवाया और प्रणाम कर रहे हो। यद्यपि इस संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी से राम राम करता है तो उसका उत्तर उसको राम राम के रूप में प्राप्त हो जाता है। यदि इसी संसार में व्यक्ति कोई नमस्ते करता है तो नमस्ते का उत्तर उसे नमस्ते के रूप में प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करे तो प्रणाम का प्रतिफल केवल आशीर्वाद होता है। और राजन, वैसे भी प्रणाम करने वाला व्यक्ति यदि किसी को प्रणाम कर ले और प्रणाम करवाने वाला व्यक्ति आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना भी कहे तो व्यक्ति को चार चीजों की प्राप्ति सहज में ही हो जाया करती है। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धे पिशेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। यदि व्यक्ति प्रणाम करता है और प्रणाम करवाने वाला व्यक्ति कुछ ना कहे तो प्रणाम करने वाले व्यक्ति को चार चीजों की प्राप्ति हो जाती है, आयु विद्या यश और बल, जो तुमने सहज में ही प्राप्त कर लिए। राजन, मैं तुम्हें आशीर्वाद में क्या दूं? तुम्हें तो इस संसार में जनक कहा जाता है, यद्यपि जनक कोई नाम नहीं, ये तो एक उपाधि है जो तुमने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित किए है। आठों योगों पर विजय प्राप्त करने वाले श्रीध्वज, इस संसार में तुमने अपने निज कर्मों के माध्यम से सब कुछ अर्जित कर लिया है। तुम्हारे जीवन में किसी चीज की न्यूनता नहीं है, बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, परवाह नहीं, परवाह नहीं वो मिले जग के वैभव पर जीवन में सुखी सादा रहे, कभी राम न चाहिए, कभी राम न चाहिए, कभी राम न चाहिए इन विभूतियों को, यह भूषित तो गृह द्वारा रहे, अरमान यही निज पूर्वजों के, यह भूजल बस सितारा रहे, हमरा रही इस जग में आशीष यही हम ऋषियों का, यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे, यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। बुलवाने का अभिप्राय क्या है, व्यक्त करवाएं श्रद्धाज। तपोनिष्ठ, हमारे आहूत करने में मात्र एक ही कारण है, आप देख रहे हैं इस मैथिली स्वयंवर के अंतर्गत सभी दीप दीपांतर के महिपाल नृपाल उपस्थित हो चुके हैं, लेकिन अभी एक न्यूनता समझ में आ रही है। न्यूनता माने कमी। कमी क्या है कि चहुं दिस कंचन
मंच विशाला रचे तहां बैठाई महिपाला। लेकिन जो एक सभी मंचों में श्रेष्ठ मंच है, सब मंचन्ते मंच एक, अभी यह रिक्त है। विचार कर रहा हूं इस पर किसको सुशोभित किया जाए, तो ध्यान आया कि कल आप भी साथ में गए थे। कब? संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वर गुरुज्ञान। किस समय? जिस समय ब्रह्मर्षि विश्वामित्री का पदार्पण हमारी मिथिलांतर्गत हुआ था। अभी तक उनका पदार्पण इस रंगशाला में नहीं हो पाया है। हमने उनको सदन सुखद पर ठहराया हुआ था। हम चाहते हैं आप सदन सुखद चले जाएं और उनको विनम्रता पूर्वक हमारी निवेदन के साथ उनको यहाँ पर लेकर के आए तो महान दया नहीं अपितु महान कृपा होगी। लेकिन एक हमारी विनय है। विनय है? हाँ, व्यक्त करो। विनय इन शब्दों में है, श्रवण करें देवता, श्रवण करें। कि जाओ गुरुवर कौशिक मुनि पहा मम समाचार ये पहुंचाना और पहले प्रणाम मेरा कहना फिर प्रण की कथा सुना दे। कि अंतिम दिन आज स्वयंवर का दशरथ सुतयुगल कुमारों से दशरथ जगमगा उठे यहां मंडल उन धीर वीर सुपमारों से तो मुनियों का वृंद सुशोभित तो है वो मंगलमय कीर्ति बढ़ाने को। और देखो ना ये गुरु का पिनाक उस वेदी में मेरी पुत्री का ब्याह रचाने को। सुंदर है सदन सुखद सो गुरुवर और सुख है सुजान गुरु पहा जाना। हाँ सुख है सुजान गुरु पहा जाना और है विश्वामित्र अरुराम लखन उनको गुरुवर तुम ले तो अविलंब आप इतना ही करी सुंदर सदन प्रतीक्षा में सुंदर सदन प्रतीक्षा में और कृतार्थ भवन पद रज से करी है शेष यही नित इच्छा में। सेवक की यही विनय है, यही निवेदन है, यदि आप कार्य पूर्ण करेंगे तो यह सेवक आपका सदैव आभारी रहेगा, सदैव आभारी रहेगा, सदैव आभारी रहेगा। साधवाद है श्रद्धा तुम्हें, जो तुमने इस कार्य को भी अपने हृदय में विचारा है। यद्यपि हम तुम्हारे गुरु हैं और आपके द्वारा एक हमें कार्य बताया जा रहा है, लेकिन इस कार्य को करने में हम संकुचित नहीं है। हम तो अपने हृदय में ये गर्व महसूस कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं कि हम तुम्हारे जैसे नृपत के गुरु हैं। इस संसार में गुरु ही शिष्य को परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करवाता है। लेकिन आज हमारा नाम शतानंद है
और मैंने सत आनंद या तो परमात्मा के चरणों में होता है या फिर परमात्मा का साक्षात जिस व्यक्ति को प्राप्ति हो जाए उसी व्यक्ति के समीप आनंद हो सकता है। आज तुम्हारे ही माध्यम से हमें केवल आनंद नहीं यद्यपि आनंद के सागर के समीप भेजा जा रहा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि हृदय में प्रसन्नता है। महामुनि के स्वागत की भव्य तैयारियां करो, हम जा रहे हैं। अवश्य आप जाए, आपके कथनानुसार मैं अवश्य ही उनके स्वागत की तैयारी कर रहा हूँ। और कहना चाहते हैं व्यास जी, चूंकि गुरु आदेश है और गुरु आज्ञा का पालन करना हमारा परम कर्तव्य है, यदि आपका कहना है कि उनके आने के स्वागत करें तो आज हमारा भी कहना है कि जो कौशिक मुनि के संग आए वो कौशल पराग सुखदाता है, और रघुकुल के ही नहीं वो तो निमकुल के भाग्य विधाता है। स्वागत की व्यवस्था करें, तैयारियां करें, तो हमारा कहना है कि जिस पथ से मुनि आना चाहे, या यूं कह दूं कि जिस पथ से मुनि को लाएंगे उस पथ को सुगम बनाऊंगा, और इतना तो ध्यान मुझे ऋषिवर पुष्पों से मार्ग सजाऊंगा। आप जाएं, हम आने वाले मार्गों पर पुष्पच्छादित करवा रहे हैं, पुष्पच्छादित करवा रहे हैं। जनक विनय तीन आई सुनाई, तीन आई सुनाई जनक विनय तीन आई। महामुनि के चरणों में सर्वप्रथम विदेहराज जनक का प्रणाम स्वीकार हो देवता। मिथिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य आचार्य शतानंद का स्वागत है। राजा जनक को हमारी ओर से कोटि कोटि साधुवाद, कोटि कोटि आशीर्वाद। अस्तु, मेरा भी प्रणाम स्वीकार करें देवता। कल्याण मस्तु। आपके समीप आने का एक कारण है, आप तो जानते हैं हमारे महाराज ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है, और स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल आए हैं। आज मिथिला की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता, सो हमारे महाराज ने एक विनय हमारे माध्यम से आपके श्री चरणों तक भेजी है, सो देवता स्वीकार करें। धन्य है राजा जनक, राजा जनक जो ना कर दे वो कम है। कदाचित संसार का नियम है कि विनय व्यक्ति को स्वयं करनी चाहिए, लेकिन राजा जनक ने विनय भेजी है, उसका भी कोई ना कोई विशेष कारण जरूर होगा। जानते हैं राजा जनक साधारण नहीं, मैं सुनना चाहूंगा वह कौन सी विनय है। अवश्य देवता प्रस्तुत। आज मिथिला में मंगल ही नहीं अपितु महामंगल है, महामंगल है देवता। वो मिथिला में आज महामंगल, न पुने मखी भूमि सजाई है, नृप ने मख भूमि सजवाई है। आये नप देश विदेशन के, क्या जब छटा छवि छाई है। आए नपदेश विदेशन के, क्या अजब छटा छवि छाई है।
आए हैं। गुजर पंजाबी मारवाड़ी कर्नाटक के अति छब छाए हैं। गुजर पंजाब मारवाड़ी कर्नाटक के छब छब छाए। गुजर पंजाब मारवाड़ी कर्नाटक के छब छब छाए छब छाए छब छाए। और देवता ये सभी एकत्र हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र। ब्राह्मण 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 क्षत्रिय और वैश्य शूद्र दानव दैत्य नप तन धर धर। दानव दैत्य नप तनु धरी धरी उसी रंगी अवनी में आई है। उस रंगी अवनी में आई है ऐसी ब्याहन की आशा लेकर। उस रंगी अवनी में आए हैं। और देवता ये सभी एकत्र हैं, महाराज कहाँ तक बतलावे। महाराज 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 कहाँ तक बतलावे। वो भूपो की समाज ये कठाए हंसी करे वो छे ऐठे। कोई हंसी करे कोई भुज ठोके। कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। कोई भुज ठोके वो छे ऐठे। कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। कोई हंसी करे कोई ठट्ठा है। कोई हंसी विशेष बात, आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। अंतिम दिवस में ही भगवान शंकर के पावन पिनाक को विमल वेदिका पर स्थापित करवाया गया है। अंतिम दिन आज स्वयंवर का 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 वेदी पर शिव धनु धरवाया। अंतिम आज स्वयंवर का वेदी पर शिव धनु धरवाया। अंतिम दिन स्वयंवर का वेदी पर शिव धनु धरवाया। दया कर मेरी विनय सुने दया कर मेरी विनय सुने। भूपति ने तुम्हें बुलवाया है दया कर मेरी दया कर मेरी विनय सुनो। भूपति ने आपको बुलवाया भूपति ने आपको बुलवाया भूपति ने आपको बुलवाया बुलवाया बुलवाया। हर से और देवता यदि आप विचार कर रहे हैं कि आपको अकेले जाना है तो नहीं, आपके साथ में 88,000 ऋषि समुदाय विशेष तो युगल कुमार उनको भी मिथिला में उस रंगवनी में अपनी उपस्थिति देनी है। दौराज कुमार संग ले लीजे वो रंग अबानी की छटा दे कुबे को। हाँ रंग भूमि की छटा
लिखिबे को चलिए मुनि भर जल्दी चलिए नप कर तब सकल लेखबे को चलिए मुनि भर जल निज कर तब सकल लेखबे को निज कर तब सकल लेखबे को निज कर तब सकल लेखबे को। हेलो हे आचार्य, राजा जनक का वह आमंत्रण हम स्वीकार करते हैं। बेटा राम, सौ मुद्राएं आप हे पंकज शर्मा जी, जिला संवाददाता जनपद हमीरपुर, उनके साथी है रोहित तिवारी, भारत ए टू जेड न्यूज, जिला संवाददाता हमीरपुर।